तो अब हम देखते हैं हमारी इंटरस्टेट सप्लाई। क्या आप सबको इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब पता है? जल्दी से मुझे हाँ बताइए ना बताइए, किसको पता है किसको नहीं पता। इंटरस्टेट सप्लाई बेटा हमने हमारी रजिस्ट्रेशन की क्लास में कवर किया था। क्या होता है इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब? जब दो डिफरेंट स्टेट्स में सप्लाई डिलीवर की जाती है, जब दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में सप्लाई डिलीवर की जाती है, या फिर एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी में सप्लाई दी जाती है, दैट इज और वाइस वर्सा, दिस इज माय इंटरस्टेट सप्लाई। क्लियर? तो बेटा इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब आपको पता है? क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, अगर है तो बता दो, फिर से बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको देखो सिंपल सी भाषा में बता दिया, दो डिफरेंट स्टेट्स, दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, या फिर एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी, या फिर यूनियन टेरिटरी से स्टेट, मतलब वैसा वर्षा कुछ भी कर लो, यहां से वहां या वहां से यहां। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब कहानी आती है कि इसमें जीएसटी लगाया कब जाता है। अब कहानी आती है कि जीएसटी लगेगा कैसे कैसे और कौन सा जीएसटी लगेगा, वो देखते हैं बेटा। ठीक है, या फिर देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है बेटा कि टू डिफरेंट स्टेट्स, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पे मैं लिख दूं या तो मतलब कुछ भी कह लो बेटा, मैं बस लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, वाइस वर्सा, इसको पहले कर दो इसको बाद में कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है, कहानी तो वही है सब, सारी की सारी कहानी तो वही है बेटा। ठीक है, बेसिस ऑफ चार्ज देखते हैं, चार्ज मतलब जीएसटी का बेस क्या होगा, चार्ज का बेस क्या होगा वो देखते हैं, कैसे कब लगेगा, मतलब द बेसिस ऑफ चार्ज इन द केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ इज गिवन बाय द सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अब देखते हैं कि सेक्शन 5 कहता क्या है। द इंटरस्टेट सप्लाईज अट्रैक्ट इंटीग्रेटेड जीएसटी, पहली चीज, जैसे ही इंटरस्टेट सप्लाई होगी आपका सीजीएसटी और आईजीएसटी नहीं लगेगा, आपका क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी लगेगा। जैसे ही इंटरस्टेट सप्लाई होगी आपका आईजीएसटी लगेगा, क्लियर है ये बात? तो इंट्रास्टेट में क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट, आईजीएसटी रेट कैन नॉट एक्सीड 40% वो 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, आज की डेट में मेरा हाईएस्ट रेट है 28%, आज की डेट में 28% मेरा जीएसटी का रेट है आईजीएसटी में, और वो किस पे लगता है, लग्जरी प्रोडक्ट्स पे। लग्जरी गुड्स पे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ये भी चीज बार बार देख लेते हैं, आईजीएसटी आपका एप्लीकेबल नहीं है अल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन एंड प्रेजेंट जीएसटी, ये तो है ही नहीं बेटा। ठीक है, क्या आपको इसका मतलब पता है बेटा? ये सब बेटा इसलिए ना मैंने बहुत सारी चीजें हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया था हमने वहां पे, ताकि आपको सारी चीजें मैं आराम से बता पाऊं वहां पे और सारी चीजों को लिंक कर पाऊं। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा, लेकिन बस इसकी एक छोटी सी वो पढ़ लेते हैं, एक्सेप्शन। वो क्या होती है एक्सेप्शन, क्या है इसका, मैं फिर से बता देता हूं। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन स्टेट, सिंपल थिंग अंग्रेजी, विद इन स्टेट या फिर विद इन यूनियन टेरिटरी। क्लियर? एक ही स्टेट के अंदर और एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर सर्विसेज जो भी होंगी, गुड्स पार्ट होंगे, सेल होंगे, ट्रेडिंग होगी, बनाया जाएगा, बेचा जाएगा, कुछ भी होगा इंट्रास्टेट, उसमें क्या लगेगा आपका, उसमें आपका लगेगा C+S। आई होप आपको इसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पता है, सी मतलब सीजीएसटी, एस मतलब एसजीएसटी, आई मतलब आईजीएसटी। ठीक है बेटा, अब इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इसका ये है, सप्लाई ऑफ गुड्स और बाय अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स,
सप्लाईज मेड टू अ टूरिस्ट रेफर टू इन द सेक्शन 15। अब ये कहना क्या क्या गया बेटा, तीन लाइनें पड़ गई। सबसे पहले कहता है कि अगर आपने, आप सपोज करो उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में बेटा एक इकोनॉमिक जोन है SEZ नोएडा में, अब आप जो हैं, आप सपोज करो कौन सा बच्चा है, पहले नाम चंचल, चंचल जो है बेटा, ये चंचल मान लो एक CA है, ठीक है। अब यहां पे एक SEZ में मान लो एक टाटा का ऑफिस है, टाटा का नहीं इंफोसिस ले लेते हैं, वहां वही की बात नहीं, अलग अलग है बेटा, इंफोसिस का जो ऑफिस है वहां से इनके पास मूर्ति जी आए, नारायण मूर्ति जी, उन्होंने कहा बेटा हमें ना एक सर्विसेज चाहिए आपसे, आप हमारा ये काम कर दीजिए। दोनों लोग नोएडा में बैठे हुए हैं, चंचल भी और इंफोसिस भी, लेकिन ये लोग कहां पर हैं, इंफोसिस का ऑफिस कहां पर है, SEZ में। तो अगर SEZ में आप सर्विसेज दे रहे हैं तो वो क्या मानी जाएगी, हमने हमारी एक्सपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा, एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर आप कहीं भी बैठ के SEZ को सर्विसेज दे रहे हैं या उनको सामान बेच रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा आपका, वो आपका एक्सपोर्ट डीम किया जाएगा, वो आपका एक्सपोर्ट डीम किया जाएगा। तो इस चीज को इन्होंने इंट्रा स्टेट सप्लाई से बाहर रखा है कि क्योंकि इस केस में तो GST लगेगा ही नहीं, और अगर लगेगा तो IGST लगेगा। इंटर स्टेट सप्लाई बेटा, रंजना क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू मीन बाय इंटर स्टेट सप्लाई, क्वेश्चन है सब क्या है, समझा नहीं मैं। और अगर मान लो आप कोई सामान इंडिया के बाहर से खरीद के लेके आ रहे हो, इंडिया के बाहर से, ठीक है, और जब तक वो कस्टम के फ्रंटियर्स को पार नहीं कर लेता तब तक तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जब आप सर्विसेज मान लो आप यहाँ पे क्या लेके आए हो, बाहर से हम क्या मंगाते हैं बेटा, मान लो चिप्स मंगाए हमने, बेटा खाने वाले चिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं ना, जो सिस्टम में लगते हैं, लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप में, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब तक ये कस्टम फ्रंटियर्स को पार नहीं कर लेते, ठीक है, Until they cross the custom frontiers of India, ठीक है, तो वो आपका interstate supply नहीं होता, ठीक है। Next कहता है जो supply आपकी section 15 में लिखी गई है, छोड़ दो बेटा क्योंकि वहां पे जाना पड़ेगा, बट हाँ iPhone मंगवाते हैं सर, हाँ बेटा बिल्कुल मंगवाते हैं iPhone, अब तो बेटा इंडिया में बनने लग गया iPhone, चेन्नई में Foxconn बना रहा है, चाइना से उसने अपनी यूनिट शिफ्ट कर ली है, ठीक है, तो Foxconn इंडिया में बना रहा है, टाटा भी बना रहा है iPhone 15, जब हम यहां से बना करके एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कहीं आप ये मत करना बेटा, बाहर से आप मान लो दुबई गए, दुबई से आईफोन लेके आए, आईफोन पे लिखा हुआ था आई मेड इन इंडिया, क्योंकि अब यही होने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं कि बेटा थोड़ा सा इंटरस्टेट और डेप्थ में समझ लेते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है मुझे, बट फिर भी ये बेटा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि कब आपका इंटरेस्टेड होगा, कब आपका इंटरेस्टेड होगा, कब कैसे लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं, पढ़िए कि द इंटरेस्टेड सप्लाई शैल बी लायबल टू सेंट्रल टैक्स CGST एंड SGST और UTGST। इसको बेटा एक बार आप देखिए कैसे, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वरुण ऑफ यूपी टू मिस्टर राम ऑफ यूपी, वरुण ने राम को सामान बेचा है तो क्या लगेगा बेटा, CGST लगेगा और यहाँ पे आपका UPGST लगेगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है, यहाँ पे आपका सिंपल सी चीज है, क्या लगेगा, CGST। रमेश ऑफ मुंबई प्रोवाइडेड सर्विसेज टू भूषण ऑफ पुणे, अब बेटा ये भी ध्यान रखना कि कहीं आपको यही ना पता हो कि पुणे कहाँ पर है, समझ रहे हो, थोड़ा ज्योग्राफिकल भी पढ़ लेना कि पुणे कहाँ पर है, कहीं पता है पुणे आप उत्तर प्रदेश में लिख के आ गए, आप इंटरेस्टेड लगा के आ गए, तो इस चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए कि मेरे राज्य में क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पर है। हालांकि डिपार्टमेंट एग्जामिनर आपको बहुत ही छोटे गाँव का नाम नहीं बताएगा,
थोड़े फेमस सिटी का नाम बताएगा, बट आई हैव ऑब्जर्व कि कुछ बच्चों को वो भी नहीं पता होता, तो एटलीस्ट उस चीज का ज्ञान रखना कि कहीं आप नहीं, बेटा वो बताना चाहता है कि कौन सा जीएसटी लगेगा। हाँ यू आर राइट, वैसे आप कह सकते हो यूपी जीएसटी मीन्स एसजीएसटी। हाँ बेटा ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि कहीं वो प्रॉब्लम ना आ जाए कि आपको पता ही ना हो कि ये जो शहर का नाम है वो किस स्टेट में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो सीजीएसटी तो मेरा जाना ही जाना है, और यहाँ पे आपका महाराष्ट्र जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज क्या होती है, अभिजीत ऑफ दिल्ली सेंट गुड्स टू राजीव ऑफ दिल्ली, तो सीजीएसटी आ गया और आपका दिल्ली जीएसटी आ गया बेटा। ठीक है, देन मिस्टर रामू काका ऑफ चंडीगढ़ प्रोवाइडेड योर सर्विसेज टू मिस ईशा ऑफ चंडीगढ़, तो यहाँ पे आपका सीजीएसटी तो आएगा ही आएगा, बट जैसे कि हमें पता है चंडीगढ़ क्या है हमारा यूटी है, तो ये आपका यूटी जीएसटी आ गया बेटा। ठीक है, ये आपका यूटी जीएसटी आ गया। डिपार्टमेंट बेटा सॉरी, मेरे मुझसे बार बार डिपार्टमेंट निकलता है क्योंकि हमारा काम ही वही है, डिपार्टमेंट के चक्कर लगते रहते हैं बेटा। ठीक है, तो जैसे इस चीज की एक्सपेक्टेशंस आप अपने एग्जामिनर से मत रखना कि वो आपको ये बताएगा कि मथुरा यूपी में है। ठीक है, आसपास के एरियाज आपको पता होंगे जो नॉर्थ नॉर्थ के हैं, ठीक है, जितने बच्चे, लेकिन अगर मान लो आप वेस्ट वेस्ट इंडिया जाते हो या फिर इधर आपका ईस्ट के साइड है, तो शायद आपको ना पता हो, मतलब आई एम नॉट सेइंग आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, बट शायद ना पता हो, तो उस चीज का ध्यान रखना बस बेटा। ठीक है, आई होप ये टेबल आपको पूरी क्लियर है, कोई भी डाउट हो मुझे बता दीजिए, वरना हम आगे चलते हैं बेटा। बताइए बेटा कोई डाउट है इसमें, ठीक है बेटा आगे चलते हैं। अब देखिए टैक्स लगाया कैसे जाता है सर, बेटा वो देखिए टैक्स लगाया कैसे जाता है, क्योंकि देखिए बेटा ये चैप्टर मैंने अलग से इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता है अगर आप कुछ भी मिस कर दोगे ना कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैं आप पढ़ लोगे समझ जाओगे। ठीक है, मतलब आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये चीज मिस हो गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि टैक्स लगाया कैसे जाता है। ठीक है, टैक्स की फॉर्मेशन कैसे होती है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे हमने प्रीवियस टेबल में देखा कि कैसे टैक्स, कैसे सर्विसेज यहां से वहां जा रही हैं, गुड्स यहां से वहां जा रहे हैं, तो टैक्स कौन सा लग रहा है, अभी तक आपने ये देखा। अब देखते हैं, हालांकि हम कैलकुलेशन पहले कर चुके हैं, अब इसको पार्ट्स में करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कहता है मनीष अ सप्लायर ऑफ गुड्स, अ सप्लायर ऑफ गुड्स, ध्यान रखना सप्लायर ऑफ गुड्स पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, ध्यान रखना क्या वर्ड लिखा हुआ है, रेगुलर स्कीम, कोई मतलब ना आरसीएम है, ठीक है ना कॉम्पोजिशन है, आपको कॉम्पोजिशन भी बताऊंगा क्योंकि इस वर्ड का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है, जो उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि कॉम्पोजिट स्कीम फॉलो नहीं करता वो कैजुअल टैक्स पेयर नहीं है। ठीक है, एंड इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशहोल्ड एग्जेम्पशन, कोई भी थ्रेशहोल्ड एग्जेम्पशन उसके पास नहीं है। ठीक है, ही हैज मेड फॉलोइंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, ध्यान रखना बेटा आपका एग्जामिनर जो है ना आपको हर चीज क्लेरिफाई करेगा, बट ये क्या है आपको ध्यान से पढ़ना है। इससे पहले क्या बोला, मनीष नाम है उसका, सप्लायर ऑफ गुड्स ये है, ये क्या करता है गुड्स को सप्लाई करता है, कौन से गुड्स छोड़ दो, गुड्स की सप्लाई करता है। ठीक है, जीएसटी पे करता है रेगुलर स्कीम के अंदर और कोई भी एग्जेम्पशन फॉलो नहीं करता। उसके बाद कहता है उसने कुछ सर्विसेज दी है, कौन सी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई करी है उसने इन द टैक्स पीरियड। ठीक है, कौन कौन सी है वो देख लेते हैं, पहली दूसरी दो ही शायद, हाँ हाँ ठीक, क्या कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 8 लाख रुपए। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हो गया, अब हमें ये तो पता नहीं कि कौन से स्टेट में है, ये हमें क्या फर्क पड़ता है, हम सी प्लस एस कर देंगे। ठीक है, इंट्रा स्टेट है मतलब क्या हुआ, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा, है ना बेटा, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर क्या है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 3 लाख रुपए। अब इंटरस्टेट में क्या आ जाएगा मेरा, आईजीएसटी आ जाएगा। ठीक है, पहले में क्या है इंट्रास्टेट, दूसरे में क्या है इंटरस्टेट। अब देखते हैं बेटा टेबल कैलकुलेशन बनती कैसे है, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, जैसे अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है ना कि इसको सॉल्व करो जीएसटी निकालो, तो दिस विल बी द फॉर्मेट यू हैव टू यूज। ठीक है, प्रॉपर ऐसे बेटा कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी पेपर, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले।
इफ द गिवन अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, एक्सक्लूसिव मतलब जीएसटी के, जीएसटी इस पे लगा हुआ नहीं है, विदाउट जीएसटी, ठीक है। रेट्स ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर 9, 9 and 18% रिस्पेक्टिवली। आपको जीएसटी का रेट हमेशा बताया जाएगा कि सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है और आईजीएसटी कितना है, ये हमेशा आपको बताया जाएगा बेटा, ठीक है। तो कहता है कॉम्प्यूट, अब ये वर्ड बेटा ध्यान रखना कि यहां पे उसने पूछा क्या है आपसे, उसने बोला है कॉम्प्यूट करो जीएसटी पेबल बाय मिस्टर मनीष ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। आई होप आप इस पूरे क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको एक एक वर्ड का मतलब पता है, चाहे वो आपका रेगुलर स्कीम हो, चाहे वो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट एग्जेम्पशन हो, चाहे वो आपका आउटवर्ड टैक्स सप्लाईज हो और चाहे वो आपका आउटवर्ड सप्लाई है, आपको एक एक वर्ड का मतलब पता है। यहाँ पे जो इंग्लिश है वो तो अलग चीज है बेटा, लेकिन उस इंग्लिश के अंदर आपको हर एक वर्ड का मतलब पता है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, ठीक है। आगे चलते बेटा, अब उसने बोला है कॉम्प्यूट करो जीएसटी पेबल, ध्यान से हमने लिख दिया कि ठीक है कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल, हमने सेम टेबल बना दी, सीरियल नंबर वन, सीरियल नंबर टू, पर्टिकुलर्स सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, आप आगे पीछे भी कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कहते हैं सर आईजीएसटी को उधर कर दें तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आपका सीजीएसटी यहाँ पे आ जाएगा, एसजीएसटी यहाँ पे आ जाएगा, हाउ डज इट मैटर। बिल्कुल बेटा यू आर राइट, रेगुलर स्कीम फॉरवर्ड चार्ज, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे हम अभी दो चीजें और करेंगे बेटा, एक हमारा है कॉम्पोजिशन और एक हमने हमारा पढ़ा था कैजुअल टैक्स पेयर, पढ़ा था ना मैं इसके बारे में, तो कैजुअल जीएसटी नंबर ले लो सीटीपी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा और, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो कहना चाह रहा है फॉरवर्ड, ठीक है आगे चलते हैं बेटा, देखिए क्या कहता है, कहता है इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स सीजीएसटी एट रुपीज एट द रेट ऑफ 9%, क्योंकि हमारा सीजीएसटी का जो रेट है वो 9% है बेटा। फिर कहता है एसजीएसटी 9% ऑन रुपीज 8 लाख रुपीज, हमारा एसजीएसटी का रेट भी 9% है, ये तो आपको पता ही है, जो सीजीएसटी का रेट होगा वही एसजीएसटी का होगा, ठीक है। आईजीएसटी का रेट एक ही रहता है, बस क्या होता है आईजीएसटी के रेट को हाफ कर दोगे डिवाइड बाय टू, वो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। बहुत क्लियर है बेटा, बहुत आसान है समझना, ठीक है। देखिए अब 9,872,000, तो आपका सीजीएसटी कितना आ गया 72,000, सेम आपका एसजीएसटी आ जाएगा 72,000 और आपका आईजीएसटी ब्लैंक हो जाएगा दोनों में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब सीजीएसटी लगेगा तो एसजीएसटी ब्लैंक रहेगा, जब एसजीएसटी लगेगा तो सीजीएसटी ब्लैंक रहेगा और आईजीएसटी दोनों ब्लैंक रहेगा। हालांकि ये डॉट डॉट आपको करने की जरूरत नहीं है, कहीं सोचो सर आपने डॉट डॉट बताया था हमने वो लगा दिया, नहीं छोड़ दो ब्लैंक, एक डॉट मारो निकल जाओ आगे, आपका आगे भी बहुत काम है, ठीक है। आगे क्या काम है, 3 लाख रुपए की सर्विस थी, 18% जीएसटी था, 18 दिया 54,000 रुपए आपका ये आ गया आईजीएसटी में, सीजीएसटी एसजीएसटी आपका ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो टोटल आपका सीजीएसटी कितना है 72,000, एसजीएसटी कितना है 72,000 और आईजीएसटी कितना है 54,000, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया अभी, क्योंकि इसने भी क्या बोला था, इसने बोला था जीएसटी पेबल निकालो। अब अगर यहीं पे देखते, मैंने क्वेश्चन में लिखा था ना शायद, नहीं है हाँ। चलो उसको हम बाद में कवर करेंगे, किसको, इनपुट को, ठीक है। अभी आपने सिर्फ लाइबिलिटी निकाली है, सिमिलर क्वेश्चन बेटा मेरा ये वाला भी है। इस क्वेश्चन को कौन सा बच्चा मुझे बिना इस चीज को देखे हुए सॉल्व करके बता देगा, मैं इसको हटा दूं, हटा कितना हटाऊंगा बेटा, देख तो लोगे या तो तक, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे पता है, कितने तेज हो आप। हाँ बेटा कोई मुझे बता पाएगा, प्लीज आंसर मत देखना कि आपके बेटर के लिए ये, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए कि इसमें क्या पूछा गया है, टैक्स पेबल पूछा गया ऑन आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ जोहा जोहरा एम्पोरियम इफ नो आईटीसी इज अवेलेबल, ठीक है आईटीसी पे भी आएंगे, बट आप मुझे बताइए जोहरा एम्पोरियम का टैक्स लाइबिलिटी कितना है, बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ बेटा। अच्छा सॉरी ये रह गया, सॉरी सॉरी, जो बच्चा चीटिंग करेगा उसको फाइन लगेगा, ठीक है बेटा, उसको मैं पेनल्टी लगाऊंगा।
बताइए बेटा टोटल जीएसटी पेबल कितना आएगा बताइए, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। जोहरा एम्पोरियम मुंबई हैज इश्यूड फॉलोइंग इनवॉइसेस। पहला इनवॉइस क्या है? गुप्ता फैंसी स्टोर अहमदाबाद। जोहरा कहां पर है? मुंबई में। गुप्ता स्टोर स्टोर कहां पर है? अहमदाबाद में। सप्लाई कितने की है? 1,80,000 रुपए की। आईजीएसटी कितना है? 18%। फिर उसने क्या बोला? रानी एम्पोरियम को भेजा उसने, जो कि कहां पर है? पुणे में। पुणे कहां पर पड़ता है बेटा? महाराष्ट्र में। और मुंबई कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो सेम क्या हो जाएगा आपका? सीजीएसटी और एसजीएसटी। कमल एंटरप्राइजेस कहां पर है आपका? दिल्ली में। और दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली सामान आएगा तो क्या लगेगा आपका? आई डोंट नो, आप बताओ जल्दी बताओ बेटा, इतना टाइम थोड़ी ना होता है, इतना टाइम लगाओगे क्या बेटा? बताइए बच्चे बताइए, क्या सीजीएसटी है, क्या आईजीएसटी है, क्या एसजीएसटी है, जल्दी बताओ। रंजना हाँ, आईजीएसटी। तनिष आईजीएसटी आएगा आपका 8,600, 8,600 यहाँ पे लिख दो बेटा, 8,600 देखते हैं, जिसका गलत होगा उसको पेनल्टी लगेगी, जो चीटिंग करेगा उसको पेनल्टी लगेगी। हाँ आगे अरबाज आईजीएसटी, चंचल आईजीएसटी 32,500 और 54,000, 86,400 चंचल। हाँ बेटा तनिष का भी यही आंसर है, ठीक है दो आंसर हो गए। सीजीएसटी कितना आ गया तनिष का? 32, 22,500 यहाँ पर बच्चा कह रहा है, 22,500 हमें नहीं पता बेटा, अभी हम देखेंगे 22,500 और 22,500। चंचल सी जी एस टी एस जी एस टी 22,500। रंजना ने बोला है 3, आईजीएसटी 54,000, 54,000 एक दो बच्चों का आंसर 86,400 है। अच्छा ठीक है बेटा, और बताओ जल्दी जल्दी बताओ बेटा। आइए हम देखते हैं, देखिए बेटा जिनके आंसर सही हैं सही हैं, अच्छी बात है, जिनके गलत हैं देखिए क्यों गलत हैं। तो गुप्ता फैंसी को स्टोर जो था वो अहमदाबाद में था, और ये कहां पर है बेटा? मुंबई में है। अब मुंबई कहां पर है पड़ता है बेटा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की कैपिटल है ना बेटा। और अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में। दो डिफरेंट स्टेट हो गए बेटा, आईजीएसटी लगेगा। कितने की सर्विस है? 1,80,000 रुपए की। और आईजीएसटी है, आईजीएसटी का रेट कितना है? 18%। ठीक है 1,80,000 पे 18% आता है आपका 22,500। ठीक है बेटा एक सेकेंड, सॉरी 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 मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हाँ सीजीएसटी ये है, एसजीएसटी ये है, हाँ ठीक है वो हो गया आपका 32,400 रुपये। ठीक है बेटा अगला, कोई अगली लाइन देखते हैं। रानी एम्पोरियम पुणे, दोनों महाराष्ट्र में बेटा, 2,50,000, दोनों हाफ हाफ हो जाएगा, 9% इधर 9% उधर, वैसे भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो वो आपका कितना हो गया? 22,500 और 22,500। ठीक है और फिर आपका क्या है? कमल, वो कहां पर है? दिल्ली में। 3 लाख की सर्विस है आपकी, 18% जीएसटी, 18,54,000 रुपए दोनों को ऐड कर दो, ये आपका हो गया 86,400, ये हो गया आपका 22,500, ये हो गया आपका 22,500। जिन जिनके आंसर सही थे वो लोग अपने शोल्डर पे पैट कर लो, जिनके गलत हैं वो एक बार से फिर से क्वेश्चन सॉल्व करके फिर से पैट कर लो। ठीक है ठीक है आगे चलिए। आगे चले क्या बेटा बताइए? हाँ जी बेटा आगे चलते हैं। अब कहता है जीएसटी जो है वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे कैसे लगेगा? जो इंपोर्ट बेटा, इंपोर्ट क्या होती है? तो हम डोमेस्टिक का पढ़ लिया, डोमेस्टिक में कैसे होता है। अब हम इंपोर्ट भी करते हैं सर्विसेज, कहाँ से? आउट ऑफ इंडिया से। जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं वैसे हम इंपोर्ट भी करते हैं, करते हैं ना, कि हमें कोई चीज चाहिए, हमें इंडिया में नहीं मिल रही है तो कहाँ जाएंगे? जैसे अब मान लो मेरे मोहल्ले में कोई चीज नहीं मिल रही है तो मैं कहाँ जाऊँ? दूसरे मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में नहीं, तीसरे मोहल्ले में। अगर मेरे स्टेट में ही नहीं मिल रही है तो मैं कहाँ जाऊँगा? दूसरे स्टेट में। अब मेरे देश में नहीं मिल रही है तो मैं कहाँ जाऊँगा? आउट ऑफ इंडिया। इम्पोर्ट करूंगा ना, जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं
ऐसे इम्पोर्ट भी करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए इम्पोर्ट के केस में जीएसटी मेरा कैसे वर्क करता है। अंडर द जीएसटी रिजिम तो ये कहता है बेटा, नॉर्मल से हम पहले पढ़ के आए, क्या कह रहा है, अंडर द जीएसटी रिजीम आर्टिकल 269A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ध्यान से पढ़ना, इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी द इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। क्या बोला इसने, जब भी आप कोई सामान सर्विस या दोनों को इंडिया से बाहर से इंपोर्ट करते हो, इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हो, तो वो आपका माना जाएगा इंटरस्टेट सप्लाई। हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जब इंपोर्ट होके आता है तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टेट, खत्म बात, और उस पर आपका IGST लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें जो जीएसटी का मैकेनिज्म है लेवी का, वो कैसे होता है वो देखते हैं। जो मैकेनिज्म ऑफ लेवी है, हाउ डज इट इंपैक्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लेविंग द जीएसटी इन केस ऑफ IGST, और मे बी आई विल से मैकेनिज्म ऑफ लेविंग द जीएसटी इन केस ऑफ इंपोर्टिंग द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, वो पढ़ते हैं, पढ़िए, द लेवी ऑफ IGST ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वुड बी लेवेबल अंडर द IGST एक्ट। हमें पता है द इंपोर्टर, यहाँ पे इंपोर्टर किसको लेते हैं बेटा, मान लेते हैं अरबाज है इंपोर्टर, एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या नाम है बेटा, अरबाज, अच्छा अरबाज है यहाँ पे, ठीक है, इंपोर्टर कौन हो गया, अरबाज ऑफ सर्विसेज विल हैव टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, इंपोर्ट के केस में क्या होता है, IGST टैक्स कौन देता है, इंपोर्टर देगा, मैं मतलब, ठीक है, सप्लायर तो है नहीं मेरी टेरिटरी में, वो कहां पर बैठा भाई, US में, वो थोड़ी देगा टैक्स, मुझे देना पड़ेगा। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ OIDAR बाय अनरजिस्टर्ड नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट द सप्लायर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया शैल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। अब बेटा अगर हम इसमें जाएंगे ना, इसमें तो हमें अलग से 4 घंटे लगेंगे, तो आप ये समझ लिए, इसको समझ लेते हैं, मैं आपको ब्रीफ दे दूंगा कि OIDAR क्या होता है, कि अगर मान लो जो लोग इसमें कवर होते हैं OIDAR में, उन केसेस में जो सप्लायर है उसको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, बट जनरली एग्जामिनर आपसे नॉर्मल इंपोर्ट पूछेगा, ठीक है, कि इंपोर्ट में IGST कैसे लगेगा। ठीक है, द IGST ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स वुड बी लेविड अंडर द कस्टम एक्ट 1962 रेड विद द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। तो जो IGST बेटा टैक्स लगता है वो कस्टम एक्ट के उसमें लगता है। ठीक है, सेम चीज मेरी, ये हो गई मेरी सर्विस की बात और ये हो गई मेरी गुड्स की बात, कहानी दोनों की मोरलेस सेम, मतलब मोरलेस नहीं, बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, क्या कह गया, जैसे सर्विस इंडिया में आएगी रिवर्स चार्ज पे इंपोर्टर टैक्स देगा, जैसे ही गुड्स मेरे कस्टम बैरियर को क्लियर कर देंगे, कस्टम फ्रंटियर को क्लियर करेंगे, इंपोर्टर को जीएसटी पे करना है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कौन कब जीएसटी पे करेगा, ये सब हम बेटा पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले हमने एक ग्लिम्स लिया था, अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, कहता है द वेरियस सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट डील विद द पर्संस लायबल टू पे द सेंट्रल टैक्स दैट इज CGST। कौन सा, मतलब किसके ऊपर टैक्स लगेगा वो हमें देखना है, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई और ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये हमारा कौन सा होता है बेटा, ये हमारा होता है फॉरवर्ड चार्ज, और ये हमारा क्या होता है, रिवर्स चार्ज। हम्म,
ये हमारा क्या हो गया बेटा फॉरवर्ड चार्ज, ये हमारा क्या हो गया रिवर्स चार्ज। ठीक है, कि सप्लायर होगा फॉरवर्ड चार्ज होगा तो सप्लायर देगा, रिवर्स चार्ज होगा तो रेसिपिएंट देगा। ठीक है बेटा, और अगर आपका इको वाला बिजनेस है जैसे कौन फ्लिपकार्ट, या फिर अमेजोन, बेटा ये आपका विजिबल है फॉन्ट, मैं थोड़ा और इसको एनलार्ज करूं, जैसे आपका फ्लिपकार्ट और अमेजोन, तो उसके इसमें कौन देता है बेटा फ्लिपकार्ट वाले। ठीक है,